कॉलेजेस के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हूँ। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि भूमि उपन्यास सम्मिलित है, जिसके पात्रों का परिचय हम पिछली कक्षा में प्राप्त किए थे। आज की कक्षा में कवि भूमि उपन्यास के कथानक भाग एक का हम अध्ययन करेंगे। कवि उपन्यास जिसके कुल 5 भाग हैं और उस 5 भाग में से पहले भाग के कथासार को आज हम जानेंगे। कथानक भाग एक का प्रारंभ अमरकांत से होता है और अमरकांत के काशी छोड़ने पर कथानक भाग एक का अंत होता है। बीच में जो भी घटनाएं हैं उनको आपके समक्ष सरल शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। अमरकांत का परिचय, पात्र परिचय में हम जान चुके हैं कि अमरकांत कौन है। अमरकांत समरकांत के पुत्र हैं, जो एक काशी के व्यापारी हैं। अमरकांत की माता का निधन बचपन में ही हो जाता है। पिता पुनर्विवाह करते हैं, अमरकांत की विमाता आती हैं और अमरकांत को अपनी विमाता से वह स्नेह प्राप्त नहीं हो पाता जो उन्हें अपनी माँ से प्राप्त होता था। अमरकांत को बात बात में उनकी विमाता डांटती हैं, फटकारती हैं, उनके प्रति ममत्व की भावना रंच मात्र भी नहीं रखती हैं। इससे अमरकांत खिन्न होते हैं और उनकी यह खिन्नता, उनका यह रोष पिता के साथ भी व्यक्त होने लगता है। अमरकांत और समरकांत जो आपस में पुत्र और पिता हैं, दोनों की आपसी बनती नहीं मतभेद व्याप्त रहता है। उपन्यास के अंत में आकर के जाकर उसमें सुधार होता हुआ प्रेमचंद जी ने दिखाया है। पिता और पुत्र दोनों में काफ़ी भिन्नता है वैचारिकता को लेकर के। पुत्र जो धन का द्रोही है और पिता जो धन का इच्छुक है, वह अधिक से अधिक धन को प्राप्त करना चाहता है और पुत्र धन के प्रति थोड़ा भी लोभ की भावना नहीं रखता। पुत्र का मानना है, पुत्र अर्थात अमरकांत उनका मानना है कि सादा जीवन जीकर भी जीवन का यापन किया जा सकता है, जिस प्रकार हमारे मजदूर वर्ग के लोग करते हैं, जिस प्रकार दलित वर्ग के लोग करते हैं। अमरकांत एक स्वाभिमानी नवयुवक है और वह अपने स्वाभिमान को किसी भी कीमत पे छोड़ने को तैयार नहीं है। उस स्वाभिमान का परिचय उन्होंने सुखदा के साथ जो कथन कहे, सुखदा के साथ जो उनकी वार्तालाप हुई उसमें हम देख सकते हैं। सुखदा कहती है कि आप हमारे घर चलिए और मेरी माँ आपको इंग्लैंड भेज देगी, वहाँ से आप डिग्री प्राप्त करके आइएगा। समरकांत के स्वाभिमान को ठेस लगता है क्योंकि वह अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ सकते। वह पिता हों अथवा पत्नी हों, किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकते। अमरकांत कहते कि मुझे डिग्री इतनी प्यारी नहीं है कि मैं ससुराल जा करके ससुराल की रोटियाँ तोड़ूँ। मैं परिश्रम करके यदि धन का उत्पादन कर पाऊँगा तो पढ़ूँगा, अन्यथा मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं कोई काम धंधा देखूंगा। स्वाभिमान का जबरदस्त परिचय उन्होंने अपने इस कथन के द्वारा दिए हैं कि वह किसी भी कीमत पे किसी के एहसान को नहीं लेना चाहते, किसी के उपकार को नहीं लेना चाहते। वह आत्मनिर्भर होकर के हर कार्य करना पसंद करते हैं। अमरकांत का विवाह, जब अमरकांत की विमाता दिवंगत हो जाती हैं, ऐसे में उनके घर को चलाने के लिए एक गृहिणी की आवश्यकता महसूस होने लगती है। अमरकांत के पिता समरकांत, जो कि धन के इच्छुक हैं, लखनऊ के एक संपन्न परिवार की पुत्री, एक धनी परिवार की पुत्री सुखदा के साथ, सुखदा के साथ अमरकांत का विवाह करा देते हैं। सुखदा और अमरकांत दोनों पति वैवाहिक बंधन में बढ़ जाते हैं, पति पत्नी के रूप में बन जाते हैं, लेकिन विचारों में कहीं साम्यता दिखाई नहीं देती है। सुखदा एक संपन्नशाली परिवार से है, उसका व्यक्तित्व जिस प्रकार का है, उसका पालन पोषण जिस प्रकार का है, उस पालन पोषण में, उस व्यक्तित्व में सील की जगह तेज दिखाई देता है, मधुर संस्कार की जगह तीव्रता दिखाई देता है, क्षमा की जगह आक्रोश दिखाई देता है और त्याग की जगह भोग विलास दिखाई देता है। यानी कि जिस प्रकार का वातावरण मिला, जैसे उनका पालन पोषण हुआ, उसी के अनुरूप सुखदा का व्यक्तित्व बन गया है। और कहीं ना कहीं अमरकांत और सुखदा दोनों के आपसी विभेद का एक कारण रहा। कारण क्या रहा था? तो धन ही दोनों के विभेद का आपसी कारण था। सुखदा अमरकांत को
व्यवसाय में लगाना चाहती थी और अमरकांत समाज सेवा में, देश सेवा में अपने समय को देना चाहती थी। दोनों का आपसी बनता नहीं है। उपन्यास के अंत होते समय फिर से सुधा का हृदय परिवर्तित होता है और अमरकांत के लिए असीम प्रेम की भावना उसके हृदय में विद्यमान हो जाती है। मुन्नी का अनादर जाना। कथानक भाग एक का एक प्रसंग ये भी आता है कि मुन्नी अनादर जाती है। पात्र परिचय में हम लोग पढ़े थे कि मुन्नी एक राजपूत स्त्री है। मुन्नी का जब गौरव सैनिकों के द्वारा हनन किया जाता है, उसकी अस्मिता लूटी जाती है, उसके दामन को कलंकित किया जाता है, उस समय मुन्नी के अंदर एक प्रतिशोध की भावना विद्यमान हो जाती है और मुन्नी उनसे बदला लेने का प्रयास करने लगती है। अनुकूल अवसर पाकर के एक विचित्र अवस्था में पहुंच गई मुन्नी। छुरी लेकर के उन गोरों पे प्रहार करती है। गोरे उस प्रहार से जख्मी होते हैं और दिवंगत हो जाते हैं। उसके बाद एक विशाल जनसभा उपस्थित होती है और मुन्नी को चारों तरफ से घेर लेती है। मुन्नी चाहती तो भाग सकती थी। प्रेमचंद जी ने बहुत सुंदर परिचय दिया कि यदि मुन्नी चाहती तो भाग सकती थी, उस स्थान को छोड़ के जा सकती थी, लेकिन वो भागी नहीं। हजारों लोग घेरे पड़े हैं और उन हजारों के घेरे में मुन्नी खड़ी है, उसी साहस के साथ खड़ी है और यह उसके साहस का परिचय है। मुन्नी कहती है, मुन्नी से जब पूछा जाता है कि 3 तारीख को तुमने 2 गोरे सैनिकों को मार डाला, क्या तुमने यह अपराध किया? मुन्नी से प्रश्न होता है कि क्या तुमने यह अपराध किया? मुन्नी कहती है कि जो गवाह कहेंगे वह सत्य ही कहेंगे। अर्थात यदि आपके पास गवाही है कि मैंने हत्या किया है, मैंने अपराध किया है, तो सत्य ही है, लेकिन मैं उसे अपराध नहीं मानती। आप अपराध मानिए, मैं उसे अपराध नहीं मानती हूँ, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इन्हीं लोगों ने मेरी अस्मिता को लूटी थी। और अंत में मुन्नी के अंदर जो हीन भावना विद्यमान हो गई थी इस सामाजिक वातावरण को लेकर के, समाज के लोगों को लेकर के, अब मुन्नी के अंदर हीन भावना विद्यमान होना, एक स्त्री जो निर्दोष है यदि उसके अंदर हीन भावना आ जाती है तो कहीं ना कहीं इसका उत्तरदायी कौन है? इसका उत्तरदायी समाज ही है। समाज ही मजबूर कर रहा है कि निर्दोष होते हुए भी हम हीन भावना से ग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक स्त्री हैं, एक अबला हैं, एक दीन हैं। और यही भावना मुन्नी के अंदर भी थी। उसके अंदर यह था कि मैं अबला हूँ, मैं दीन हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, समाज के लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से न देखेंगे। कहती है कि मैं अपने भाई बहनों से बस इतना विनती करूँगी कि जब मेरी काया समाप्त हो जाए, मेरे जीवन का अंत हो जाए, तो आप मेरी काया को निरादर से मत देखना, इसे घिन से मत देखना, इसे आप सम्मान देना जिस सम्मान को मैं जीते जी न प्राप्त कर सकी। अर्थात कितना उसके अंदर दुख है, कितनी पीड़ा है, कितनी वेदना है कि निर्दोष होते हुए भी अपने मृत काया के लिए वह प्रार्थना कर रही है, वह अन्याय कर रही है कि मरने के उपरांत उसके काया के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए जो जीते जी खो चुका था। मुन्नी के वचनों को सुनकर के, उसके बयान को सुनकर के, जिसका हम जिक्र कर चुके थे पात्र परिचय में ही, न्यायाधीश प्रभावित होते हैं। प्रभावित क्या करिए कि मजबूर हो जाते हैं और वह मुन्नी के हक में फैसला सुनाते हैं। मुन्नी के हक में फैसला आने के पीछे प्रोफेसर शांत कुमार और अमरकांत का भी अहम भूमिका है। उन्होंने भी अत्यंत प्रयास करके मुन्नी को अदालत से बरी कराया था। न्यायाधीश मुन्नी को अदालत से बरी करते हैं और जब मुन्नी अदालत से बरी होकर के आती है तो एक विशाल समारोह का, एक विशाल सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। मुन्नी पे पुष्प वर्षा की जाती है, फूलों का माला पहनाया जाता है। ये सब देख करके मुन्नी दुखी हो जाती है। वो कहती है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे इतना सम्मान दिया जाए, मैं इसकी हकदार नहीं हूँ। यहाँ पे मुन्नी का स्वाभिमान दिखता है कि मुन्नी अपने हक के लिए लड़ लेती है, अपना हक पा जाती है, लेकिन वह जो लोगों के द्वारा सम्मान मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो सोचती है कि सम्मान न हो करके दया की जा रही है मुझ पर, जो मुन्नी को स्वीकार नहीं। मुन्नी दया नहीं चाहती है, कहती है कि अब मैं समाज में रहूँगी, लोगों के बीच में रहूँगी तो वो हमको और प्रेम भी देंगे, तो प्रेम ना होगा वह दया होगी जो मुन्नी को स्वीकार नहीं। वो चाहती लोग मुझे दया की दृष्टि से न देखें। मुन्नी अपने पुत्र और पति से भी नहीं मिलती क्योंकि वह हीन भावना से ग्रस्त है और उसका प्रभाव वह अपने पति और पुत्र पर पड़ने देना नहीं चाहती है। वह उस स्थान को छोड़ के कहीं अन्य स्थान पर जाके रहने लगती है। अमरकांत का सकीना के प्रति प्रेम। अमरकांत सुगदा का पति है और सुगदा के व्यवहार से वह अत्यंत ही दुखी रहता है।
और उसका वह दुखी रहना ही सकीना के प्रति खींचता है। अमरकांत सुधा के कहे अनुसार दुकान पर बैठा रहता है। पठानी जो सुधा की दादी है दुकान पर आती हैं और अमरकांत उनको घर छोड़ने के लिए जाता है। पठानी मना करती है लेकिन कहता है कि नहीं, आप नहीं जा पाएंगी, असमर्थ हैं और मैं आपको आपके घर पे छोड़ देता हूँ। अमरकांत सकीना की जो दादी है पठानी उनको लेके उसके घर पहुँचाने जाता है। एक सुंदर वातावरण देखिएगा, प्रेमचंद जी ने कितना सुंदर दृश्य उपस्थित कर रहे हैं सकीना के प्रति प्रेम को लेकर कि शाम का समय है, अंधेरा हो रही है। उस अंधेरे में से पठानी दरवाजा खटखटाती है, सकीना दरवाजा खोलती है, एक हाथ में दिया लेके आती है। वह प्रेमचंद जी ने दिया का वर्णन किया, प्रकाश की व्यवस्था है तो दिया, वह दिया इसलिए अभाव का प्रतीक। सकीना का घर अभावों से ग्रस्त है, निर्धन है और उसमें प्रकाश की व्यवस्था है तो एकमात्र दिया है। उस दिए के जलते लौ के प्रकाश में वह सकीना को देखता है और उसके मधुर सौम्याकृति पे आकर्षित होता है। वह सकीना से प्रेम करता है और प्रेम करने के साथ उसके जीवन में नवीन संचार होता है। वह असीम ऊर्जा से भर जाता है, समाज सेवा में फिर से लग जाता है। सकीना के सामने जो विवाह प्रस्ताव रखता है तो सकीना कहती है कि ऐसा कह करके तो आप मुझे तीनों लोगों का राज्य दे दिए, मैं तीनों लोगों का राज्य लेकर के क्या करूँगी। अब यहाँ पर सकीना का स्वाभिमान दिख रहा है कि सकीना का प्रेम एकदम निस्वार्थ है। अमरकांत उसे अपनाने को तैयार है लेकिन कहती है कि मैं राज्य लेकर क्या करूँगी, अर्थात मैं बस आपका सानिध्य मुझे चाहिए, आपका अधिकार मुझे नहीं चाहिए। अमरकांत का घर छोड़ना, अमरकांत सकीना के प्रेम को पाकर के पुनः समाज सेवा के कार्यों में लग जाता है। डिग्री की पढ़ाई बीच में छोड़ देता है और नगर पालिका का मेंबर बन जाता है। यह बात पढ़ाई छोड़ देना, व्यवसाय में मन लगाना और नगर पालिका का पुनः सदस्य हो जाना, यह बात समरकांत को अच्छी नहीं लगती क्योंकि समरकांत और सुखदा की मानसिकता है कि अमरकांत अपना सारा ध्यान व्यवसाय में लगाए, सारा ध्यान घर गृहस्थी में लगाए, न कि समाज में लगाए। अमरकांत समरकांत दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो जाता है और समरकांत अमरकांत को घर से निकाल देते हैं। अमरकांत घर छोड़ के चला जाता है, किसी अन्यत्र जगह जाके रहता है। जब अमरकांत जाता है तो अमरकांत के साथ सुखदा, नैना और नौकरानी सिल्लो भी चले जाते हैं। सुखदा द्वारा समरकांत की सेवा, सुखदा, नैना, अमरकांत ये सब घर छोड़ के चले जाते हैं, किसी दूसरे जगह जाके रहते हैं। तभी सुखदा को समरकांत के अस्वस्थ होने का समाचार मिलता है। सुखदा जब सुनती है कि समरकांत अस्वस्थ हैं, जो कि समरकांत कौन है तो सुखदा के ससुर हैं, अमरकांत के पिता हैं, तो सुखदा तुरंत जाती है और समरकांत की सेवा करती है। समरकांत को वचन देती है कि मैं रोजाना आकर के आपके भोजन को बना दिया करूँगी। यह बात जब अमरकांत जानता है कि सुखदा जाके समरकांत की सेवा कर रही है, उनके घर भोजन बना रही है, तो उसको अच्छी ये बात अच्छी नहीं लगती। वो इसका विरोध करता है और सकीना से जाके कहता है कि कभी वो मेरा जी नहीं पूछी, कभी वो मेरा ख्याल नहीं रखी है और अगर वह जा कर के लाला जी का ख्याल रख रही है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर उनके धन के प्रति स्वार्थ की भावना विद्यमान है। अमरकांत का काशी छोड़ना, अमरकांत और सकीना का प्रेम और प्रगाढ़ हो जाता है। अमरकांत जाता है और सकीना से कहता है कि चलो हम लोग कहीं यहाँ से चले चले, अर्थात अगर समाज स्वीकार नहीं कर रहा है तब चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। उसके बाद सकीना समझाती है, पहले तो बहुत समझाती है कि ऐसा ना करिए बदनामी होगी, कहता है नहीं कुछ नहीं और मैं अब तुमको अपने जीवन में ला के ही रहूँगा। यह बात जब पठानिन को पता चलती है, पठानिन जो सकीना की दादी है, पठानिन अत्यंत क्रोधित हो जाती है और जब उसका क्रोध से भरा व्यक्तित्व अमरकांत सकीना देखते हैं तो वह डर जाते हैं। अमरकांत सोचता है कि अब तो यह बात जाकर के वह समरकांत से कहेगी, लाला जी से कहेगी और व्यर्थ का विवाह खड़ा हो जाएगा। सकीना को समझाती है, पठानिन से अनुरोध विरोध करती है, कहती है कि मुझे उनके साथ ही रहना, मुझे उनके साथ जाने दो। पठानिन जब तैयार नहीं होती है तो सकीना कहती है कि यदि तुमने उनका जीवन गलत किया तो समझो मेरा भी जीवन गलत हो जाएगा। यह बात सकीना अपने दादी पठानिन से कहती है। अब इसको पाठक एक चेतावनी के रूप में जान लें
अथवा एक बिंदी के रूप में जाने, लेकिन सकीना का यह कथन ओज से भरा था, हिम्मत का एक परिचायक है यह कथन कि यदि उनकी इनका जीवन गलत हुआ तो मेरा भी हो जाएगा। अमरकांत जाता है, अत्यंत शर्मिंदा है। शर्मिंदा इसलिए कि वो सम्मानित व्यक्ति है, राष्ट्रभक्त है, एक नवयुवक है और प्रेम की जो बात है वह एक मुसलमान लड़की से कर रहा है, जो कि उसमें सांप्रदायिकता की भावना विद्यमान थी, हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं था। शर्मिंदा हो जाता है लेकिन फिर भी अपने निर्णय को छोड़ता नहीं है, कहता है कुछ भी हो जाए उसको मैं अपने जीवन में लाऊंगा तो लाऊंगा। अंत में पिता और पुत्र में इसको लेके खूब विवाद होते हैं। समरकांत कहते हैं अमरकांत से कि तुम उसके साथ रहो, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन विवाह मैं स्वीकार नहीं करूंगा। साथ रहने में कोई समस्या लेकिन नहीं है, लेकिन विवाह स्वीकार नहीं करूंगा। अमरकांत अंत में पुनः कहता है समरकांत से कि क्या आपके घर में उसके लिए स्थान है। पिता से एक प्रश्न, पुत्र का पिता से एक प्रेसी के लिए कि क्या आपके घर में उसके लिए स्थान है। समरकांत कहते हैं किस रूप में, कहता है पुत्रवध के रूप में। समरकांत कहते हैं एक नहीं हजार बार नहीं, कि मैं हजार बार भी उसको नहीं ही कहूँगा, मैं उसे पुत्रवध के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। जब उनके इस उत्तर को सुनता है अमरकांत तो कहता है कि यदि उसके लिए कोई स्थान नहीं है तो फिर मेरा भी इस घर में कोई स्थान नहीं है, अब मैं इस घर में नहीं रुक सकता हूँ। वह घर छोड़ के जाने लगता है। अब अंत में जब घर छोड़ के जाता है वहाँ पे एक पिता का प्रेम, एक कट्टरवादिता और एक सामाजिक नियम, तीनों एक साथ प्रेमचंद जी ने उपस्थित कर दिया है। सामाजिक नियम क्या, कि आप किसी गैर धर्म में जात में विवाह नहीं कर सकते। सांप्रदायिकता क्या, कि जाति भेदभाव विद्यमान रहना, वो भी अपने चरम पर विद्यमान रहना, कि जान चला जाए लेकिन वो कार्य स्वीकार न होगा। और प्रेम, कि जब पुत्र घर छोड़ने के लिए जाता है तो पिता चिंतित होते हैं, व्याकुल होते हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि घर छोड़ के जाए। जब वो जाने लगता है घर, क्या काशी छोड़ के जाने लगता है, पूरा काशी छोड़ देता है, तो कहते हैं कि अच्छा जाओ, जा तो रहे हो, जाओ, समझाना बुझाना तुमने कुछ नहीं माना, जाओ, लेकिन चिट्ठी लिखते रहना, और अगर तुम ना आओगे तो मुझे अपने पास बुलाते रहना। अब अमरकांत का यह कथन कि चिट्ठी लिखते रहना और तुम ना आना तो मुझे बुलाते रहना, एक पिता के प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसा पिता जो किसी भी कीमत पर अपने पुत्र को खोना नहीं चाह रहा है, अपने पुत्र की चिंता से व्याकुल ही रह रहा है। अमरकांत कहते हैं कि जा तो रहा हूँ लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब से आपसे कुछ मैं मांगूंगा नहीं, कुछ कहूँगा नहीं। और इस तरह से अमरकांत घर छोड़ने लगता है, घर से बाहर निकलने लगता है और समरकांत पीछे से कहते हैं कि जाओ, जहाँ भी रहो खुश रहो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। उनके आशीर्वाद देने के साथ ही कथानक भाग एक का अंत हो जाता है, अर्थात अमरकांत के काशी छोड़ने पर कथानक भाग एक का अंत होता है और दलितों के गांव में प्रवेश लेने के साथ ही कथानक भाग दो का शुरुआत होता है। इस तरह अमरकांत के काशी छोड़ने के साथ कर्मभूमि उपन्यास के कथानक भाग एक का अंत होता है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। कथानक भाग दो के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।